आगरा थाना फतेहाबाद पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट और पुलिस पर हमला करने वाले बदमाशों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों ने 11 मई को पुलिस पर फायरिंग की थी। बदमाश एक लूट करने के बाद भाग रहे थे, जब पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पर फायरिंग कर वे फरार हो गए, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश श्यामू विनेश हैं, जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 3 सोने की अंगूठी बरामद हुई। पकड़े गए बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे आगरा में लूट डकैती छिनौती जैसी धाराओं में दर्ज है। देखिए, जैसे कि ये फरवरी अभी मई में 1 और 6 तारीख को फतेहाबाद थाना क्षेत्र में कस्बे में जो लूटपाट हुई थी घरों में घुस घुस के, उसी क्रम में जो हम लोगों ने पहले 3 लोगों को भेज चुके हैं, उसमें योगेश, पोदी और अजय, और ये जो बाकी इसमें 3 लोग वांछित चल रहे थे उसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया। ये दोनों फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। ये कल शाम को इनको 4:30 बजे फिरोजाबाद चौराहे पे, जो हमारा फतेहाबाद थाना क्षेत्र के अंदर का आता है, वहाँ पे पकड़े गए ये लोग। ये बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, 307, 392 के कई सारे लूट के मुकदमे हैं, और आगरा से भी हैं, फिरोजाबाद से भी हैं। और इनके पास से ये एक हमारे यहाँ से जो बाइक भी चोरी गई थी सदर थाना क्षेत्र से, वहाँ वो भी मिली है, और इनके पास से अवैध शस्त्र भी मिले हैं। इन लोगों के खिलाफ जो इनका पूरा गैंग है, हम लोग इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी कराएंगे, और इनके पुलिस रिमांड लेके और भी पूछताछ करके और भी जो बरामद की है। ये जो पिछले जो बाकी जब हम लोगों ने पहले जो 3 लोगों को पकड़ा था उस टाइम पे ये लोग आए थे, तो ये मुठभेड़ में भाग गए थे, उस टाइम पे इन्होंने फायर भी किया। ये जो गैंग है वो 6 लोगों का गैंग है। इनका जो लीडर था वो पहले जेल योगेश जा चुका है, और बाकी अब इसमें एक आदमी और रह गया राधे करके, उसको भी हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे, उसके इनाम भी घोषित कराएंगे और उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेंगे। अभी तक जो हमारे क्षेत्र में अपराध करा है उन लोगों ने, घर में घुस के 3-4 लोग जब एक गैंग बना के जाते थे, मोबाइल अपना नहीं यूज़ करते थे, लेकिन फिर भी ये घरों में घुसते थे और फिर वहाँ पर लूटपाट वगैरह करते थे। जो घर के सदस्य थे उनको बंधक बना लेते थे, इस तरह की घटनाएं करते थे। अब वो सारी चीज़ बताने वाली नहीं, तो फिर ये होता है कि